कहा जाता है कि तीन छुपाए न छुपे, चोरी हत्या पाप। इन कर्मों के बाद सजा मिले न मिले, इन्हें छुपाना मुश्किल होता है। सवाल यह है कि क्या मोदी अडानी के रिश्तों और अब मोदी अडानी माधवी के रिश्तों की पोल छुपाए नहीं छुप रही है? जवाब दिया जाता है आरोपों से बचने के लिए, मगर आरोपों के दलदल में और ज्यादा धंसते ही जा रहे हैं। जी हाँ, हिंडनबर्ग रिसर्च ने हाल ही में बताया था कि अडानी मामले में जो उसने विस्तृत रिपोर्ट 18 महीने पहले जारी की थी, उसकी जाँच सेबी को सौंपा गया था और सेबी ने इस मामले में कायदे से जाँच इसलिए नहीं की क्योंकि सेबी की मुखिया का पैसा खुद ही उन कंपनियों में लगा था जो अडानी से संबंधित थी। कल के वीडियो में हमने बेहद आसान भाषा में इस पर बात किया था कि सारा खेल क्या है, आरोप कितने गंभीर हैं। इसके बाद भारत की नियामक संस्था सेबी की मुखिया माधवी बुच ने और उनके पति ने इन आरोपों का जवाब दिया। इनके जवाब के तत्काल बाद हिंडनबर्ग ने बताया कि हमने जो आरोप लगाया था, माधवी और उनके पति ने तो इन आरोपों को काफी हद तक स्वीकार लिया है। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने कुछ और बेहद गंभीर सवाल उठा दिए, यानी नए सवाल पैदा हो गए और इन सवालों ने भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों का 53,000 करोड़ रुपया डुबा दिया है। तो अपने जवाब में कैसे कथित रूप से सेबी प्रमुख और फंस गई है, कौन सा बेहद गलत और गैर कानूनी काम करने का आरोप इन पर लग रहा है और सरकार पर करवाने का आरोप लग रहा है, विपक्ष इन मामलों पर क्या कुछ बोल रहा है, वो भी देखेंगे। यहाँ एक बात विशेष है, कल की वीडियो में हमने अडानी मामले पर जो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी समर्थक लोग अब कौन कौन से तर्क देने वाले हैं, वो सब कुछ 100% सही हो गया है। क्या क्या सही हुआ है वो भी देखेंगे। कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भाजपाई मानसिकता ने एक बार फिर से अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत नाम का चोला ओढ़ने का प्रयास किया है और बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विश्वगुरु की सरकार ने अब तक सेबी प्रमुख को अपने पद से क्यों नहीं हटाया? क्या खेल कुछ ऐसा है कि मेरी कुर्सी छीनोगे तो तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगी जो थोड़ी बहुत बची हुई है? वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, हर एक पहलू पर बेहद कम शब्दों में और आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। इसके अलावा यदि हो सके तो इस क्यूआर कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हम किसी नेता या सेठ की चाटुकारिता नहीं करते, इसीलिए सेठ का टेम्पो काले धनों से भर के हमारे यहाँ नहीं आता। आगे की बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको विश्व गुरु भारत, जो कि 2047 में विकसित होने वाला है, उसकी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इसे देखकर आप भी सावधान रहें। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये राजधानी दिल्ली की बताई जा रही है, बाकी सब बढ़िया है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री चाहें तो बारिश के मौसम में जगह जगह बड़ा बड़ा बैनर लगवा दें कि सड़क पर चलने का रिस्क आपका अपना होगा, साथ में बड़ा सा ये भी लिख दें कि थैंक यू फलाने जी। पोस्टर बैनर का खर्चा उठाने के लिए देश की 140 करोड़ जनता है ही, टैक्स भर भर के खर्चा उठा लेंगे। पिछले दिनों हिंडनबर्ग ने बताया कि सेबी, जिसे अडानी के मामलों की जांच करनी थी क्योंकि अडानी ग्रुप पर यह आरोप लगा कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कथित कॉर्पोरेट फ्रॉड किया, ऐतिहासिक फ्रॉड किया, जिसमें ये लोग लोहे को सोना बताकर बेचने का काम कर रहे थे। आपके मन में आ सकता है कि खरीदने वाला खरीद का है रहा था, उसको भी तो देखना चाहिए। आसान भाषा में समझिए, मतलब यह है कि फर्जी और ऑफशोर कंपनियों के द्वारा अडानी समूह के लोग अपना ही पैसा अपनी ही कंपनियों में लगाकर उसके शेयरों की कीमत बढ़ा रहे थे। इससे कुछ शेयरधारकों को लाभ मिल रहा था, मगर बड़ा लाभ अडानी सेठ को जा रहा था। इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोहे को सोना बताकर गिरवी रखना और उसके बदले सोने की कीमत के बराबर लोन ले लेना। गोल्ड लोन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। उसी उदाहरण से समझिए कि कोई भी कंपनी आपसे सोना गिरवी लेकर आपको लोन देती है सोने की कीमत के हिसाब से, लेकिन आपने क्या किया कि लोहे के गहने पर पीला पेंट लगा के कंपनी के एजेंट को दे दिया और उसने आपको लोन दे दिया सोने के हिसाब से। यहां कंपनी का मतलब भारत देश समझ लीजिए और उस एजेंट को सेबी समझ लीजिए, जिसका काम था सोने की जांच करना कि वो सोना असली है कि नकली। अब सारा आरोप इसी बात को लेकर है कि दरअसल सेबी ने इन चीजों की जांच इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी मुखिया खुद ही लोहे को सोना बनाने के खेल में शामिल थी, उनकी भी हिस्सेदारी थी। आरोप तो यहां तक लगने लगे हैं कि इन्हें सेबी की मुखिया इसीलिए बनाया गया ताकि ये लोहे को सोना बनाने और फिर उससे माल कमाने में सेठ को भी मदद पहुंचाए और खुद भी पैसा बनाए। हिंडनबर्ग ने हाल फिलहाल में कौन कौन से आरोप लगाए थे उस पर हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं विस्तार से, अब आगे की कहानी सुनिए। इन आरोपों पर जवाब देते हुए सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने और उनके पति ने कहा कि हमने 2015 में निवेश किया था, सिंगापुर के निजी नागरिक थे तब। ये तब हुआ था जब माधवी बुच सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल नहीं थी, इसके 2 साल बाद शामिल हुई। आगे उन्होंने कहा कि फंड में निवेश करने का फैसला मुख्य निवेश अधिकारी अनिल आहूजा की मौजूदगी की वजह से हुआ, जो कि धवल बुच के बचपन के दोस्त थे और निवेश के मामले में अनुभवी व्यक्ति थे, जिन्होंने सिटी बैंक, JP Morgan और कई जगहों पर काम किया था। आगे इन्होंने जवाब दिया कि फंड ने कभी भी अडानी ग्रुप की कंपनियों की किसी
किसी भी बॉन्ड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया। उधर जैसे ही इन्होंने हिंडनबर्ग के आरोपों पर जवाब देने की कोशिश की, हिंडनबर्ग ने तुरंत इसका खंडन किया और कहा कि सेबी के अध्यक्ष माधवी बुच के जवाब में कई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति शामिल हो गई है। यानी हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें सेबी प्रमुख माधवी बुच ने खुद ही स्वीकार लिया है। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने नए सवाल खड़े किए। उसने कहा कि जवाब देते हुए माधवी बुच ने सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने बरमुडा और मॉरिशस के एक अस्पष्ट फंड स्ट्रक्चर में निवेश किया था जो कथित तौर पर विनोद अडानी द्वारा निकाले गए फंड से जुड़ा हुआ था। अब विनोद अडानी को तो आप लोग जानते ही हैं, गौतम अडानी के भैया। आगे हिंडनबर्ग ने कहा कि इस फंड का मैनेजमेंट धवल बुच के बचपन के दोस्त कर रहे थे जो कि उस समय अडानी के निदेशक थे। यानी हिंडनबर्ग के अनुसार सेबी प्रमुख माधवी बुच अपने पति के जिस दोस्त के कारण किसी फंड में निवेश करने की बात स्वीकार रही हैं, वो दोस्त अडानी की कंपनी में निदेशक था। अब यहाँ दावा किया जा रहा है कि या तो सीधे सीधे हितों का टकराव हो गया, एक तरफ देश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट सेबी को अडानी के ऊपर लगे आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपती है, दूसरी तरफ जांच एजेंसी सेबी की जो मुखिया है उनके पति का दोस्त जो कि अडानी के निदेशक है उसके कहने पर निवेश करती है और उन जगहों पर निवेश करती है जहां घुमा फिरा के सारा मामला अडानी पर जाके अटक जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो जवाब दिया गया इस मकसद से कि थोड़ी राहत मिलेगी, यह मामला और फंस गया। सेबी को अडानी ग्रुप से जुड़े हुए जिन निवेशकों की जांच करने का काम सौंपा गया उन निवेशकों में सेबी की मुखिया खुद ही निवेश करके बैठी हैं। इसके अलावा एक और बड़ा आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया, उसके अनुसार माधवी बुच ने यह दावा किया था कि उन्होंने दो कंसल्टेंट कंपनियां स्थापित की, एक भारत में एक सिंगापुर में साल 2017 में। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया, हालांकि उनके पति कथित तौर पर 2019 में कारोबार संभाल लिए। अब हिंडनबर्ग का कहना है कि माधवी बुच अभी भी भारतीय इकाई अगोरा एडवाइजरी लिमिटेड का 99% हिस्सा अपने पास रखती हैं, वही मालकिन हैं और सक्रिय भी हैं और इससे पैसा भी कमा रही हैं। इसके साथ ही सिंगापुर की जो परामर्श कंपनी थी जिसका नाम है अगोरा पार्टनर्स, वो भी 16 मार्च 2022 तक पूरी तरह से माधवी बुच के अंडर थी, यानी वही सर्वे सर्वा थी। और जब सेबी के लिए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्होंने पद संभाल लिया तब भी, यानी सेबी में पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद भी ये सिंगापुर की एक कंपनी को ओन कर रही थी। आगे हिंडनबर्ग ने कहा कि अगोरा एडवाइजरी लिमिटेड जो भारत वाली कंपनी थी, इसने साल 2022-23-24 के दौरान 3,12,000 अमेरिकी डॉलर का राजस्व कमाया, जबकि माधवी बुच सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी। हिंडनबर्ग ने यह भी चिंता जताई कि अघोषित व्यवसायिक गतिविधियां क्या हैं ये किसी को पता नहीं है। आरोप लगाया कि माधवी बुच ने सेबी में अपने कार्यकाल के दौरान अपने पति के नाम से व्यवसाय करने के लिए अपने व्यक्तिगत ईमेल का इस्तेमाल तक किया, यानी नाम पति का है और व्यक्तिगत ईमेल का इस्तेमाल करके सेबी प्रमुख ने कंपनी को चलाया। आरोपों में आगे कहा गया है कि 2017 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के कुछ सप्ताह पहले माधवी बुच ने यह सुनिश्चित किया कि अडानी से जुड़े हुए खाते सिर्फ उनके पति के नाम पर ही पंजीकृत हों, इनके नाम पर न हो। हिंडनबर्ग ने बुच द्वारा सेबी कार्यकाल के एक साल बाद कथित तौर पर भेजे गए एक निजी ईमेल का हवाला दिया है जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने अपने पति के नाम से फंड में हिस्सेदारी बनाई। यहां सवाल उठाया गया है कि सेबी अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक पद पर रहते हुए अपने पति के माध्यम से और क्या निवेश या व्यापारिक सौदे किए होंगे, यानी पद का दुरुपयोग किस स्तर पर किया गया होगा, यानी कुल मिलाकर कहानी फंसती हुई नजर आ रही है। आरोप और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर हमने लगातार देखा है कि जैसे ही अडानी पर कोई आरोप लगता है तो राहुल गांधी के खिलाफ जांच एजेंसियां एक्टिव होने लगती हैं। आज सुबह से ही गोदी मीडिया में चर्चा है कि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर सकती है। सोचिए देश की जनता को किस कदर खुलेआम सरेआम टोपी पहनाने का काम चल रहा है। 10 साल से अधिक हो गए मोदी सत्ता को आए, नेशनल हेराल्ड का केस कितना कठिन हो गया है कि इनके सैकड़ों अधिकारी मिलकर अब तक उसे सॉल्व नहीं कर पाए। यदि उसमें कहीं कोई घोटाला है, इतना महत्वपूर्ण मामला है, तो यह कैसी नपुंसक सरकार और इसकी जांच एजेंसी है जो 10 साल तक अब तक राहुल गांधी सोनिया गांधी को सजा नहीं दिलवा पाई। और ऐसा क्यों है कि जब भी मोदी सत्ता या इनके परम मित्र संकट में आते हैं तो जांच एजेंसी राहुल गांधी की पूछताछ करने लगती है। यहां सीधे सीधे मामला ध्यान भटकाने वाला नजर आता है और पिछले 10 सालों का मोदी सत्ता का इतिहास बताता है कि यदि किसी विपक्षी नेता के खिलाफ इन्हें एक तिनका भी मिल जाए तो कहानी आर पार की हो जाती है, फिर पूछताछ तक कुछ सीमित नहीं रहता। कल की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री के परम मित्र पर गंभीर आरोप लगा है और अब तो मोदी सत्ता पर ही
ही बेहद गंभीर आरोप लग गया। बहुत जल्द इनकी तरफ से कहा जाएगा कि टूलकिट एक्टिव हो गया, देश के दुश्मन एक्टिव हो गए, कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई, विदेशी ताकतें हमें कमजोर करना चाहती हैं, हमसे जलती हैं, और ये सारी बातें सही होती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है तो इनके लोगों ने मिलकर भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश रची है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट शनिवार को जारी हुई, रविवार को हल्ला मचा, सोमवार को कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया। यानी कुल मिलाकर इन्होंने आरोपों पर जवाब देने की बजाय, आरोपों पर जांच और कार्रवाई करने की बजाय एक बार फिर से भारत का नाम का चोला ओढ़कर खुद की लाज बचाने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट जारी कब करेगा, ये भाजपा या रविशंकर प्रसाद से पूछ के करेगा। दूसरी बात यह है कि यह एक ऐसी संस्था है जो कंपनियों के शेयर गिराकर उससे पैसा कमाती है, मगर उसके धंधे की वजह से आप उसके सवालों को नकार नहीं सकते। उसके सवालों पर जवाब दीजिए, आप आरोपों का जवाब दीजिए, मगर भाजपा के लोग ये रट्टा लगाने में लगे हुए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, विदेशी ताकतों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भारत शेयरों के मामले में एकदम सुरक्षित बाजार है। सुरक्षित है तो यह क्या हो रहा है? सेबी की जिम्मेदारी है कि बाजार सुचारू रूप से चले, और भी बहुत कुछ ये लोग कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जिस तरह प्रधानमंत्री के मन की बात डेढ़ घंटा सुनने के बाद भी रिजल्ट नील बटा सन्नाटा निकलता है, उसी तरह से भाजपा के जवाब का रिजल्ट भी निकल रहा है। मगर सवाल यह है कि भाजपा जवाब क्यों दे रही है? हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप का नाम लिया, सेबी का नाम लिया, सेबी की मुखिया और उनके पति का नाम लिया, कई कंपनियों का नाम लिया, लेकिन उसने कहीं भी बीजेपी का नाम तो नहीं लिया। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, इन्हें सुन लीजिए। लगे हाथ ये रिपोर्ट भी देख लीजिए कि अडानी मामले में ये खुलासा होने के बाद, सेबी पर बेहद गंभीर आरोप लगने के बाद उनके शेयर 7% के आसपास गिर गए, जिससे निवेशकों के 53,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। यही बात कल राहुल गांधी पूछ रहे थे कि निवेशकों का जो पैसा डूबेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। राहुल जी एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार अडानी महाघोटाले पर सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने भी उठाए हैं, और उन्होंने लगातार सवाल पूछा है ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं और अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है, और उन्हीं सवालों में आपके सवाल का जवाब छुपा है जो राहुल जी के सवाल है। राहुल जी का सवाल है अडानी मोदी का रिश्ता क्या है, और बिना वो रिश्ता प्रगाढ़ हुए ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के जो एक्यूजेशन है, जो आक्षेप है कि सेबी की प्रमुख का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जिन फंड की वो जांच कर रही थी, जिस अडानी की वो जांच कर रही थी, एलिगेशन है रिपोर्ट के मुताबिक वो उन्हीं फंड में इन्वेस्टेड थी, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शायद इससे पहले कभी नहीं था। मेरा अपना मानना है कि इतने बड़े घोटाले के बाद, और आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, मैं यहां यह जरूर कहना चाहती हूं और पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूं कि क्या इस देश के उच्चतम न्यायालय को अंधेरे में रखा गया? क्या उनसे बातें छुपाई गई? क्या उनके सामने रेवलेशन किया गया कि जिन फंड की जांच सभी कर रहा है इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, उनमें से कुछ फंड में तो सेबी की चीफ खुद ही इन्वेस्टर थी? तो यह जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कोर्ट को बताया गया? और अगर नहीं बताया गया तो हमारी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश का उच्चतम न्यायालय, इस मामले का पुनः संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले और इसकी जांच करे, क्योंकि यह कोर्ट को बरगलाने का भी एक बहुत बड़ा मामला है। जी आई कैन आस्क अ काउंटर क्वेश्चन, वॉज द पार्लियामेंट सेशन कर्टेल्ड बिकॉज यू न्यू दिस रिपोर्ट वॉज कमिंग? वाई शुड यू आस्क मी द क्वेश्चन दैट द बीजेपी इज आस्किंग? आई एम आस्किंग अ काउंटर क्वेश्चन, क्या पार्लियामेंट सेशन को कर्टेल किया गया क्योंकि उनको पता था कि यह सनसनीखेज खुलासा होने वाला है? और मैंने तो पहले ही कह दिया था, इससे पहले कि बीजेपी के लोग, बददिमाग प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी, सरकार के ट्रोल मंत्री ये कहे कि हिंडनबर्ग जो है वो देश के खिलाफ साजिश रच रहा, सवालों का जवाब दे दीजिए ना। इतने बड़े सनसनीखेज खुलासे आपके रेगुलेटर पे लगे हैं, आज भारत के फाइनेंशियल मार्केट की साख दांव पर है, और आप ये बोल रहे हैं खुलासे पर हम बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का काम है आपको ईमानदार और जवाबदेह बनाए रखना, विपक्ष का काम है छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनकी सुरक्षा करना, विपक्ष का काम है इस देश में अगर कुछ गलत होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाना।
तो बीज और मुझे एक सवाल का जवाब आप और दीजिए। सरकार बोलती तो मैं समझ सकती थी क्योंकि सरकार तो कटघरे के घेरे में है। इसमें बात सेबी की हो रही है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी की बात करी है, ऑफशोर फंड की बात करी है, अगोरा की करी है, ब्लैकस्टोन की करी है, माधवी बुच की करी है। बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी क्यों कूद पड़ी है अखाड़े में इनको बचाने के लिए? उनकी उनकी कौन सी दुखती रग है जो दब जाती है हर बार अडानी का नाम लिया जाता है? अडानी का नाम लो और पूरी भाजपा उछलने लगती है। ये संसद में भी होता है, ये सड़क में भी होता है, ये रिपोर्ट आ जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, मतलब ऐसी रग दबती है अडानी का नाम लेते ही दो दस दस फीट उछलने लगते हैं सब लोग। क्यों ऐसा होता है भाई, जांच करिए ना। सुप्रिया जी, एक सवाल यह है कि इस आरोप के बाद अडानी की ओर से भी बयान आया है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से। उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या जवाब देंगे उनको आप? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है, मैंने जो भी बोला है वो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को कोट किया है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे भी कर सकते थे, हम कल शाम को भी कर सकते थे, लेकिन हमने वक्त लिया, हमने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे और बहुत डिटेल में जाकर उन्होंने ये रिपोर्ट प्लान करी है। माधवी पुच जी ने भले ना बताया हो कि उनके पति ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर है, लेकिन लिंक्डइन पर है और उन्होंने हर चीज खंगाली है, हर चीज की तफ्तीश करी और वहां से बनाई है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर ऐसा है तो सू करिए ना हिंडनबर्ग को, लड़िए उनके खिलाफ केस, बताइएगा उच्चतम न्यायालय को कि क्या यह आरोप गलत है या सही है। वो तो कहेंगे ही ये गलत है, वो थोड़ी कहेंगे हाँ बिल्कुल आरोप सही है और हम महाघोटाले के अहम किरदार हैं, उसमें सेमी के साथ हमारी मिली भगत है और ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी की आंखों के नीचे उनकी देखरेख में उनके संरक्षण में हो रही है, ये तो नहीं कहेंगे वो। मैम माधवी सुप्रिया जी से जो स्टेटमेंट आया है जी, उन्होंने उसमें कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट सेबी ने जो एनफोर्समेंट एक्शन लिया और उनको एक शो कॉज नोटिस दिया, उसके चलते ही एक सिर्फ एक अटेम्प्ट है उनका करेक्टर असैसिनेशन का, इस पर क्या कहना है आपका? माधवी बुच जी सेबी की रेगुलेटर हैं, एज रेगुलेटर आपके ऊपर चाहे वो हिंडनबर्ग हो या चाहे कोई और हो, किसी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं तो आप विक्टिम कार्ड बिल्कुल मत प्ले करिए। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। वो ये तो मान रही है अपने स्टेटमेंट में कि उनकी शेयर होल्डिंग थी और उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी, क्या आपने इसका डिस्क्लोजर सेबी को और क्या आपने इसका डिस्क्लोजर जांच करते वक्त उच्चतम न्यायालय के सामने दिया था या नहीं दिया था? दूध का दूध और पानी का पानी होगा यहां पर। आप रीट्स के बारे में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाती थी, क्या आप वहां जाके बताती थी कि आपके हस्बैंड ब्लैकस्टोन के हिस्से ब्लैकस्टोन से संलग्न है जो रीट्स की सबसे बड़ी प्लेयर है? आप बताइए अगोरा से आपका क्या संबंध है? आप बताइए आपने कब शेयर ट्रांसफर किए? आप बताइए कि क्या आपका आईएस आईपी प्लस फंड में इन्वेस्टमेंट था कि नहीं था? जब आरोप लगता है तो यह कह देना क्योंकि हम जांच करते, चलिए मान लेते हैं आप जांच कर रही थी, आपके ऊपर आरोप लग गया, क्या आपने जब आप मान रही हैं कि आपके पास शेयर थे, क्या आपने इस बात का खुलासा उच्चतम न्यायालय के सामने किया या नहीं किया? आपने अपने आप को रिक्यूज क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं यह कहा कि क्योंकि मेरी शेयर होल्डिंग थी इस ग्रुप में या इससे सॉरी इस ग्रुप से संबंधित किसी चीज में जो कि रिपोर्ट कहती है, मैं जांच नहीं करूंगी। शुड सीजर्स वाइफ बी अबव सस्पिशन और नॉट? Should India's market regulator be above board, above suspicion or not is the question. सवाल इस बात का है, एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपने इस देश के उच्चतम न्यायालय को बताया था कि आपकी यह शेयर होल्डिंग थी या नहीं थी? और क्या आपका फिर इस जांच में बने रहना सही था या नहीं था? जी सुप्रिया जी, आपने एक निष्पक्ष जांच की भी बात कही है, तो जो हिंडनबर्ग की जो ताजा रिपोर्ट है इसमें माधवी बुच के अलावा सरकार या बीजेपी की मिली भगत की भी बात कही गई है? सरकार की मिली भगत की बात का सवाल इसलिए उठता है, सरकार एक मार्केट रेगुलेटर अपॉइंट करती है, आप तमाम बैकग्राउंड चेक्स करते हैं, आप तमाम डिस्क्लोजर्स देखते हैं। सरकार के सामने एक सवाल आया कि आप अडानी महाघोटाले की जांच कराइए,
तो मोदी जी खुद तो करेंगे नहीं, मार्केट रेगुलेटर जो अपॉइंट किया गया सरकार द्वारा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है वो करेगा। अब पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इस रिपोर्ट के मुताबिक उनका कुछ संलग्न है, उनकी कुछ शेयर होल्डिंग में इधर उधर जवाबदेही है। तो सवाल इस बात का है कि क्या वो सरकार जो अडानी समूह की जांच नहीं कराना चाहती है, क्या वो सरकार जो DRI के हाथ बांध देती है ओवर इनवॉइसिंग पे जांच मत करो अडानी की, क्या वो जांच कर सकती है? और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। JPC गठित करिए और इस JPC से कहिए वो जांच करे, उसमें हर दल के लोग रहेंगे, हर दल के लोग प्रमुखता से बात उठाएंगे, खरे सवाल पूछेंगे। क्यों डरती है सरकार? इस देश में क्या पहले कभी JPC गठित नहीं हुई है? हुई है गठित, लेकिन अडानी जी का नाम सुनते ही आपने सदन में कार्रवाई देखी। किसी का नाम ले लो, अरे मोदी जी का भी नाम ले लो तो शांति से बैठे रहते, अडानी का नाम लेते ही स्प्रिंग लग जाती है, उछल कूद, हर मंत्री उछलने लगता है। भाई क्यों, ऐसी कौन सी दुखती लग रहा है आपकी जो दब जाती है नस? इसीलिए अडानी महाघोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट अपने तत्वावधान में या तो कराए या इस पर JPC गठित हो। लेकिन यह बहुत बड़ा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति गठित करी थी, क्या उसको अंधेरे में रखा गया या उसको सारे सच से अवगत कराया गया? आज इस बात पर भी सवाल है कि रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। अगर SEBI की अध्यक्ष, जिसके जिम्मे खुद जांच थी अडानी के घोटालों की, जिसके जिम्मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको ये पूरी जांच रिपोर्ट हमारे सामने रखनी है, अगर खुद SEBI की अध्यक्ष और उनके पति का नाम अडानी के साथ जो फर्जी कंपनियां बाहर बनी हुई हैं, ऑफशोर कंपनियां बना के जो धंधा हो रहा है उसमें शामिल है, तो कैसे SEBI के अध्यक्ष निष्पक्षता से जांच कर सकती हैं? और कैसे उनकी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर सकता है? कैसे उनकी रिपोर्ट पर देश भरोसा कर सकता है? इसलिए बड़ा सवाल यह है कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हो रहा है। पूरा देश जानता है कि मोदी जी और अडानी जी एक एक भाई की तरीके से काम करते हैं और पूरा देश उनके नाम प्रधानमंत्री जी लिखते जा रहे हैं। एयरपोर्ट अडानी को, पोर्ट अडानी को, रेल अडानी को, सेल अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, और अभी 1300 एकड़ जमीन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को। तो आप एक व्यक्ति के नाम पूरा देश नीलाम करना चाहते हैं और उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसकी वजह से देश के छोटे निवेशकों का 8,50,000 करोड़ रुपए डूब गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, 8,50,000 करोड़ रुपए। आपने फर्जी कंपनियां विनोद अडानी के माध्यम से बाहर बना के, चैंग चुंग लिंग, नासिर अली, इन सब के नाम आए हैं सामने। उन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग करके लगाया उन कंपनियों में, और उन्हीं कंपनियों का पैसा भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाने के लिए लगाए गए, और फिर अचानक जब शेयर के दाम गिरे तो लोगों का पैसा डूब गया क्योंकि वो वास्तविक मूल्य था ही नहीं शेयर का। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा और घोटाला इस देश की जनता के साथ है। ये अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। प्रधानमंत्री जी इस सवाल से भाग नहीं सकते, और मैं तो कह रहा हूं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद पर बने रहेंगे निष्पक्षता से जांच नहीं हो सकती।